नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति और आज बात करेंगे सावधान, कोरोना अभी गया नहीं, क्योंकि देश में कोरोना फिर से सक्रिय होता नजर आ रहा है, जिसके चलते एक दिन में 2183 नए कोरोना के मामले सामने आए और कोरोना के चलते 214 मरीजों की मौत हो गई, जबकि 1958 लोग कोरोना से ठीक हुए, जिसके बाद देश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.76% हो गया है। अगर बात करें कोरोना के एक्टिव केसों की, तो देश में फिलहाल कोरोना के 11,542 केस एक्टिव है। तो देश में फिर से कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं, लोगों की लापरवाही के चलते एक बार फिर से कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। बीते 24 घंटे में देश में 2183 नए कोरोना के संक्रमित पाए गए हैं, जबकि कोरोना के चलते 214 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अगर बात करें कोरोना के रिकवरी रेट की, तो देश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.76% के पार पहुंच गया और 958 लोगों ने कोरोना को मात दी है। वहीं फिलहाल देश में कोरोना के 11,542 केस एक्टिव हैं। तो 2183 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में 214 कोरोना मरीजों की मौत हुई है, 1,958 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। तो देश में कोरोना के 11,542 केस इस वक्त एक्टिव हैं। देश में फिर से कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में 2183 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है, जबकि 214 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वहीं 958 लोगों ने कोरोना को मात दी और देश में कोरोना के फिलहाल 11,542 केस एक्टिव है। अगर बात करें देश में कोरोना के रिकवरी रेट की, तो देश में कोरोना का रिकवरी रेट भी 98.76% के पार पहुंच गया और 214 कोरोना मरीजों की बीते 24 घंटे में मौत हुई है, जबकि 1,958 लोगों ने कोरोना को मात दी है। वहीं देश में फिलहाल 11,542 केस एक्टिव है। तो देश में फिर से कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं, जहां बीते 24 घंटे में 2183 कोरोना संक्रमित जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में जो है मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं और मौत के आंकड़ों में भी इजाफा हो रहा है, क्योंकि 214 कोरोना मरीजों की मौत भी हुई है। अब बात करते हैं प्रदेश की, तो प्रदेश में भी कोरोना के मामलों में अब तेजी देखने को मिल रही है। हरियाणा में बीते 24 घंटे में कोरोना के 191 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन में प्रदेश में कोरोना के चलते किसी भी शख्स की मौत नहीं हुई और 115 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जिसके चलते कोरोना का रिकवरी रेट भी 98.83% पहुंच गया है। वहीं गुरुग्राम में एक बार फिर से कोरोना विस्फोट हुआ है। पिछले 24 घंटे में अकेले गुरुग्राम में 151 पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि फरीदाबाद में 32 नए संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा सोनीपत में एक और यमुनानगर में भी एक कोरोना संक्रमित की पुष्टि हुई है। तो प्रदेश में फिर से कोरोना पैर पसारता नजर आ रहा है। बीते 24 घंटे में हरियाणा में 191 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जबकि अकेले गुरुग्राम में 151 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। तो ये आपको बता दें कि 115 लोगों ने कोरोना को मात भी दी है। हालांकि प्रदेश में बीते 24 घंटे में किसी भी व्यक्ति की कोरोना के चलते मौत नहीं हुई। और इसके अलावा अगर बात करें फरीदाबाद की, तो फरीदाबाद में भी 32 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है और सोनीपत और यमुनानगर में एक एक कोरोना संक्रमित पाया गया है। तो प्रदेश में फिर से कोरोना पैर पसारता नजर आ रहा है। 24 घंटे में 191 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है, 115 लोगों ने कोरोना को मात दी है। तो वही प्रदेश में कोरोना के 888 केस इस वक्त एक्टिव है और गुरुग्राम से 151 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं गुरुग्राम में कोरोना के 719 केस इस वक्त एक्टिव है और गुरुग्राम में 109 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं। वहीं बात करें अगर फरीदाबाद की, तो फरीदाबाद में कोरोना के 32 केस एक्टिव मिले हैं, सोनीपत में एक और यमुनानगर में एक कोरोना संक्रमित की पुष्टि हुई है। तो प्रदेश में फिर से कोरोना पैर पसारता नजर आ रहा है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 191 नए कोरोना संक्रमित पाए गए, जबकि 115 लोगों ने कोरोना को मात दी है। वहीं प्रदेश में कोरोना के 888 केस इस वक्त एक्टिव हैं। गुरुग्राम में कोरोना के 719 केस एक्टिव है और गुरुग्राम में 109 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं। तो फरीदाबाद में भी कोरोना के 32 केस एक्टिव मिले हैं, सोनीपत में एक और यमुनानगर में भी एक कोरोना संक्रमित की पुष्टि हुई है। तो वही अकेले गुरुग्राम में ही 151 नए पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि फरीदाबाद में 32 और सोनीपत और यमुनानगर में एक एक कोरोना संक्रमित की पुष्टि हुई है। तो पूरे प्रदेश में 191 कोरोना के संक्रमित पाए गए हैं।
और कोरोना का रिकवरी रेट भी 98.83% के पार पहुंच गया है। तो प्रदेश में कोरोना फिर से पैर पसारता नजर आ रहा है, आए दिन मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं 24 घंटे में 191 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसी खबर पर हमारे साथ सोनीपत से जुड़ गए लाजपत और प्रवीण। सबसे पहले लाजपत आपसे जानना चाहूंगी, लगातार अब कोरोना के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। अभी जो सिर्फ वैसे जो मरीज होते हैं उनकी चेकिंग जारी है, लेकिन आपको बता दे करो जैसे कोरोना के समय चेकिंग हुई थी अगर वैसे कोरोना की चेकिंग बड़े मात्रा में पा सकते हैं। और क्योंकि आपको बता दे जिला सोनीपत एक ऐसा भारत है जहाँ पर देश विदेश नहीं पूरा भारत बसता है, और जिला सोनीपत यूपी और हरियाणा और दिल्ली तीनों स्टेटों को जोड़ता है। और लगातार आपको बता दें कि जब हमने पहली लहर देखी थी तो उस समय भी कंट्रोल पब्लिक नहीं हो पाई थी, तो प्रशासन के सामने काफी बड़ी चुनौती है। अभी जो एक पेशेंट पाया गया है, अगर जो समय रहते अगर चेकिंग शुरू की गई, अगर एक एक व्यक्ति को चेक किया गया तो काफी बड़ा ब्लास्ट हो सकता है, क्योंकि ये जो समय है ये तापमान का समय है और लोग जो है ठंडी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, खांसी जुकाम मलेरिया डेंगू अनेक तरह की बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं, जिसका कोरोना भी असर हो जाता है। और कोरोना की वजह से जब कोरोना की चपेट में लोग आते हैं तो मृत्यु हो जाती है। हर खबर हरियाणा की टीम की तरफ से लोगों से ये जरूर अपील है कि अगर आपको सुरक्षित रहना है तो सरकार की गाइडलाइंस पे ध्यान दें, वरना सरकार अगर ठोस कदम उठाएगी और लॉकडाउन करना पड़ा तो आपकी खुद की लापरवाही होगी। अगर लॉकडाउन की हालात बने तो जागृति आपको बता दूं कि हालात गंभीर बनेंगे। और क्योंकि ये मैं आपको दिखा दूं बाजार जो है मुख्य बाजार है, जो मेरे पीछे बिल्कुल बाजार दिखाई दे रहा है, ये बाजार मुख्य है और ये साक्षात है कि इसने तीनों लॉकडाउन देखे हैं, अब चौथा फिर लॉकडाउन है। हमारी सिर्फ यही अपील रहेगी कि जो मकान मालिक हैं या दुकानदार हैं, दुकानदारों के मालिक हैं, वो संयम और शांति रखें। लोगों से संयम और शांति से ही समाधान हो सकता है। अगर लॉकडाउन की स्थिति बनी और लोगों की लापरवाही रही तो ये हालात काफी गंभीर होंगे, प्रशासन के सामने काफी बड़ी चुनौती होगी। मुझे लगता नहीं कि अगर लॉकडाउन की स्थिति बनी और प्रशासन को ठोस कदम उठाना पड़ा तो ये लोग अपना संयम खो चुके होंगे और ये लोग मानेंगे नहीं, और काफी बड़ी दिक्कत होगी। क्योंकि आपको पता है कि बाजार के हालात इतने गंभीर हैं कि जो पिछला जो हालात तीन बार के हालात बने हैं वो अभी तक काबू नहीं आ पाए हैं, क्योंकि लोगों की जो हालात है वो अभी तक गंभीर है। जिसको मकान मालिक का किराया देना है, जिसको दुकान का किराया देना है या जिसको बच्चे की फीस देनी है, वो बैलेंस अभी तक बना नहीं है। अगर हालात बिगड़े तो वो बैलेंस जो पिछला बैलेंस है वो और खड़ा हो जाएगा, तो इससे कहीं ना कहीं देश की हालात बिगड़ेगी। और आपको बता दूं महंगाई का असर कहीं ना कहीं लोगों पर अभी से दिखाई दे रहा है। अगर लॉकडाउन की स्थिति बनी तो लोगों की काफी बड़ी किल्लत होगी, इसलिए हर खबर हरियाणा की टीम लोगों से यही बार बार अपील करती है कि अगर आपको इस महामारी से जीतना है, कोरोना जैसी बीमारी से जीतना है और लड़ना है तो भी जीत पाएंगे, लेकिन सरकार की गाइडलाइंस पर जरूर ध्यान दें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दें, मास्क का ध्यान दें, भीड़ भड़ाके की जगह ना जाएं। लेकिन जहां पर प्रशासन के सामने ये बड़ी चुनौती है, जागृति आपको बता दूं कि बाजार के समय जो शाम का समय होता है जब सब्जी मंडी लगती है तो काफी भीड़ बन जाती है और वो कहीं ना कहीं कोरोना का बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रशासन के सामने काफी बड़ी चुनौती है। जागृति हमने वो भी टाइम देखा है कि लोगों को जीने के लिए ऑक्सीजन तक नहीं मिली थी, और फिर वो हालात खड़े ना हो जाएं कि जागृति वो समय फिर ना आ जाए कि लोगों को अगर जीना है तो ऑक्सीजन फिर मोल ना खरीदनी पड़े, फिर हाहाकार ना मचे। तो इसलिए कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही दिखाई दे रही है। अभी से पहले लोगों की लापरवाही जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन आपको बता दें फिर से लोगों की ये दिक्कत जरूर है कि यहाँ पर जो है प्रशासन को, मैं फिर से कह रहा हूँ, प्रशासन को मिल बांट कर बात करनी चाहिए, एक बेंच पर बैठकर बात करनी चाहिए, ताकि जो लोग हैं जो यहाँ पर किराए पर रहते हैं उनसे बातचीत हो, मकान मालिक से बातचीत हो, पंचायत से बात हो, काफी ऐसे सामाजिक व्यक्ति हैं जिनसे बातचीत कर बैठकर समाधान किया जाए। आपके पास वापस लौटेंगे प्रवीण जी, आपका रुख करना चाहूंगी। गुरुग्राम में कोरोना विस्फोट हुआ है, बीते 24 घंटे में अकेले गुरुग्राम में 151 केस पाए गए। जागृति देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि गुरुग्राम में एक बार दोबारा से कोरोना का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। पिछले अगर एक हफ्ते की बात करें तो लगातार मरीजों की संख्या में यहां पर इजाफा हो रहा है और अब 700 से ज्यादा यहां पर एक्टिव पेशेंट मौजूद हैं।
सिर्फ फिक्र इस बात की है कि अभी जो फिलहाल है ये सभी पेशेंट अपने घरों पर अपना इलाज करा रहे हैं, होम आइसोलेशन में रह रहे हैं। अभी 3 दिन पहले जो ACS हेल्थ है राजीव अरोड़ा, उन्होंने एक उस तरह मीटिंग प्रोग्राम में की थी जिसमें साफ तौर पर जायजा लिया था कि किस तरह से बढ़ते हुए कोरोना को केसों को रोका जाए, क्या पाबंदियां दोबारा लगाई जाए। लेकिन फिलहाल पाबंदी लगाने के पक्ष में सरकार दिखाई नहीं देती है, क्योंकि जिस तरह का एक इकोनॉमिकल ड्रॉबैक पिछले पाबंदियों के दौरान देखा गया था, तो उसको दोबारा दोहराना नहीं चाहती है सरकार। जिस करके सरकार की ओर से एक एडवाइजरी जरूर जारी की है जिला प्रशासन की ओर से कि लोग जो गाइडलाइन पहले थी उनको अपना, हालांकि सरकार की तरफ से गाइडलाइन वापस जरूर ले ली गई है, लेकिन लोगों को चाहिए यदि उन्हें अपना बचाव करना है और अपनी स्थिति को बनाए रखना है तो नियमों का पालन करें, मास्क का उपयोग जरूर करें और भीड़भाड़ वाले इलाके में जाने से बचे। दूसरा मैं बताऊं कि इससे बचने के लिए जो एक प्रशासन का प्रयास है कि वैक्सीनेशन में गुरुग्राम में तेजी लाई गई है, स्कूलों में भी वैक्सीनेशन होगा 12 प्लस वाले बच्चों का, और उसके अलावा जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी वैक्सीन की सुविधा दी गई है, वहां पर एक शुल्क देकर आप जो है वैक्सीन लगा सकते हैं। और इसके अलावा जिला उपायुक्त ने निजी अस्पतालों को निर्देश दिए हैं कि लोगों को कॉल करें और उनकी वैक्सीन के लिए उन्हें बताएं और बुलाएं कि भाई वो अपनी वैक्सीन लगवाएं। तो कहीं ना कहीं वैक्सीन, टेस्टिंग और ट्रेसिंग से ही इस बीमारी को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है, और साथ में जो नियम पहले बनाए गए दिनचर्या में लाना पड़ेगा, तभी हम इस महामारी से बच सकते हैं। क्योंकि डॉक्टर्स का साफ कहना है कि कोरोना अभी जाएगा नहीं, कोरोना हमारे बीच इसी तरह रहेगा जिस तरह से डेंगू और मलेरिया आज हमारे बीच है, इसी तरह से कोरोना भी लगातार हमारे बीच रहेगा। तो हमें सावधानी बरतनी है और नियमों का पालन करते हुए अपनी जिंदगी पटरी में रखनी है। तो जरूरी है कि सब नियमों का पालन करें, जो गाइडलाइन सरकार की ओर से दी गई थी उनका सख्ती से पालन किया जाए। आपको स्वयं तो करना है, सरकार अभी कोई मूड में नहीं लग रही है कि वो गाइडलाइन लाए या कोई सख्ती करे। जी बिल्कुल लाजपत, जिस तरीके से अब कोरोना के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है, क्या लगता है कि चौथी संकट चौथी लहर का संकट मंडरा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए हर खबर हरियाणा के टीम की तरफ से यही आह्वान शुरू किया गया है कि लोगों को अवेयरनेस और जानकारी जरूरी है, क्योंकि लोग जो हैं वो लापरवाह हैं। जैसे आज एक पेशेंट पाया गया है, इसके अलावा अगर प्रशासन को सख्ताई करनी पड़ी और चेकिंग शुरू करनी पड़ी तो काफी बड़े मात्रा में कोरोना के पेशेंट पाए जा सकते हैं। और आपको बता दें यूपी और हरियाणा अनेक स्टेट से यहाँ पर लोग जो है रोजी रोटी के लिए कमाने खाने आए हैं, लेकिन उनके लिए काफी बड़ी आफत खड़ी हो सकती है। तो हमारी यही अपील रहेगी, अगर आपको इस महामारी से जीतना है और लड़ना है तो जरूर सरकार की गाइडलाइंस पर ध्यान दें, क्योंकि आपको पता है कि तीन समय जो गए हैं, जो कोरोना की जैसी महामारी जो लोगों के ऊपर हावी हुई थी वो फिर से हावी ना हो जाए, तो इसलिए कहीं ना कहीं लोगों को जरूरी है जागरूकता। और जो कोरोना की ऐसी महामारी बीमारी है कि जो लोगों को अगर चपेट में ले लेती है तो काफी बड़ी दिक्कत आ सकती है, इसीलिए हमारी जो टीम ये लगातार आह्वान करती है लोगों से कि आपको जीना है जरूरी तो 2 गज की है दूरी जरूरी, वरना होगा सामना करना मुश्किल। तो इसीलिए हमने ये जरूर लोगों से अपील की है कि आपको अगर जो भीड़ से बचना है तो आप मास्क जरूर लगाएं, अगर भीड़ में जाना है तो 2 गज की दूरी जरूर रखें, लेकिन फिर भी लोगों की लापरवाही दिखाई देती है। मैं फिर से आपको तस्वीरें दिखा दूं इस बाजार की, ये मुख्य बाजार है जहाँ पर रोजी रोटी के लिए छोटे छोटे दुकानदार हैं जिनके किराए काफी ज्यादा हैं, मकान मालिक का किराया है, दुकानों का किराया है, अगर हालात बिगड़े तो इस बाजार पर काफी असर पड़ेगा। पहले से ही कोरोना जैसी महामारी का जो असर है वो अभी भी लोगों पर दिखाई दे रहा है, और उस असर का कहीं ना कहीं फिर से हावी ना हो जाए जो लोग जागरूक है वो जरूर मास्क लगा रखा है, और लगातार हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि हमारे जो सामने से आ रहे हैं मास्क लगाया है उन्होंने, उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके की बीमारी है, जागरूकता जरूरी है, इस व्यक्ति ने मास्क लगाया है जरूर हमारे से बातचीत करेगा। भाई साहब आपने मास्क लगाया, कोरोना से बचना चाहिए लोगों? बिल्कुल बचना चाहिए, इसका कोई इलाज भी नहीं है बिना मास्क के, मास्क ही कोरोना का इलाज है। लोगों ने मास्क नहीं लगाया, आपने लगाया, तो उनकी नासमझी है ओवर स्मार्टनेस है। लोगों से क्या अपील करना चाहिए? हर आदमी को मास्क लगाना चाहिए। एक व्यक्ति जागरूक मिला, उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को मास्क लगाना चाहिए, क्योंकि मास्क लगाएंगे तभी इस बीमारी से बच पाएंगे और तभी जीत पाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति लापरवाह है और लापरवाही का कहीं ना कहीं आम नागरिक को खामियाजा भुगतना पड़ता है। एक स्टूडेंट है, बच्ची है, उससे भी बातचीत करेंगे, उसने मास्क लगाया है। बिटिया, एक बार आपने मास्क लगाया है, किस वजह से लगाया है, क्या औरों को लगाना चाहिए, आप क्या जागरूकता? क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो। आपने मास्क लगाया है और लोगों को भी लगाना चाहिए, क्या बीमारी है, क्या जागरूकता आपकी तरफ से? आपने मास्क अभी तो लगाना चाहिए। लगाना चाहिए,
ये स्टूडेंट है, जैसे इसने बताया कि मास्क लगाना चाहिए, लोगों को लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए क्योंकि लोग लापरवाह हैं, लेकिन लोग लापरवाही की वजह से कहीं ना कहीं कोरोना हावी ना हो जाए। कुछ लोग जरूर जागरूक हैं, लेकिन कुछ लोग लापरवाह हैं जो मास्क नहीं लगाते, जिनकी वजह से बीमारी फैलेगी और काफी बड़ी महामारी फैलेगी। अगर आपको बता दें, सोनीपत में ब्लास्ट हुआ तो ये पूरे भारत में होगा, क्योंकि पूरे भारत की जनता यहाँ पर बसती है, जो मजदूर और मजबूर है। फैक्ट्री एरिया काफी बड़ा है और फैक्ट्री एरिया होने की वजह से यहाँ पर मजदूर और मजबूर है जो रोजी रोटी के लिए आए। मैं आपको फिर से तस्वीरें दिखा दूं कि लोग कितने लापरवाह हैं, मास्क नहीं लगाते। इनको पता है कि बीमारी जरूर फैल रही है, लेकिन लोग लापरवाह हैं, मास्क नहीं लगाते। हमने कुछ लोगों को जरूर दिखाया है कि जिन्होंने मास्क लगाया है, लेकिन अभी भी लोग लापरवाह आपको बाजार में ज्यादा दिखाई देंगे, लेकिन जागरूक कम दिखाई देंगे। इसका कहीं ना कहीं आम नागरिक को खामियाजा ना भुगतना पड़े, इसलिए हमारी खबर हर खबर हरियाणा की तरफ से टीम जो है ये जागरूकता का प्रयास कर रही है कि लोगों को जागरूक किया जाए, ताकि मास्क लगाना है जरूरी, तभी हम इस बीमारी से जीत पाएंगे। फिर से अपील है कि मास्क और भीड़ से बचे, ताकि आपको कोरोना जैसी महामारी की चपेट में ना आए। जी बिल्कुल लाजपत, आपके पास वापस लौटेंगे। प्रवीण जी, आपका रुख करना चाहूंगी, जिस तरीके से अब मामलों में इजाफा देखा जा रहा है, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से अभी कोई भी ऐसी गाइडलाइन नहीं आई है और प्रतिबंध हटाए गए हैं, तो अब प्रशासन किस तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है और क्या कुछ कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं? देखिए, मैंने बताया था कि जो ACS स्वास्थ्य विभाग के हैं राजीव अरोड़ा, उन्होंने एक स्तरीय मीटिंग ली थी गुरुग्राम में, जिसमें जिला उपायुक्त सहित स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारी मौजूद थे। तो उसमें जायजा लिया गया कि केस बढ़ने का कारण क्या है और उसके साथ ही उस बढ़ते केसों के बीच किस तरह से इनकी रोकथाम की जाए, और वो रिपोर्ट जो है ACS ने स्वास्थ्य मंत्री को सौंपी। और वहीं अब वहां से निर्णय होना है कि प्रतिबंध दोबारा लगाए जाएंगे या एक अपील के माध्यम से जनता को जागरूक करने की कोशिश की जाएगी कि वो लोग जो गाइडलाइन पहले थी उसका पालन करें और इस कोरोना जैसी महामारी से बचने का प्रयास करें। मैं आपको बता दूं कि साफ तौर पर जो बाजारों की बात करें या जो सार्वजनिक स्थान है उनकी बात करें, वहां पर पालन नहीं की जा रही है किसी भी तरह की। और दूसरी बात, स्कूल खुल चुके हैं, खुलना भी एक बड़ा चैलेंजिंग है इस कोरोना के बीच, क्योंकि कुछ बच्चे भी जो है वो लगातार कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। और ACS की ओर से साफ तौर पर अगर किसी भी बच्चे को कुछ भी लक्षण दिखाई देते हैं तो उसे तुरंत जो है उसके माता पिता को इन्फॉर्म किया जाए, उसका टेस्ट कराया जाए और उसको घर भेजा जाए। साथ ही उसकी अटेंडेंस पर भी कोई फर्क ना पड़े अगर कोई बच्चा इस बीमारी से ग्रसित होता है। साथ ही जो 12 साल तक के बच्चे हैं उनके टीकाकरण की व्यवस्था की गई है, उनको स्कूलों में टीके लगाए जाएंगे। इसके साथ ही जो बूस्टर डोज है उस पर प्रशासन की ओर से बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है, क्योंकि इस बीमारी से लड़ने का जो एकमात्र हथियार हमारे पास है वो वैक्सीन है, और वैक्सीनेशन जब पूरा बूस्टर डोज हो जाएगी तो इसका खतरा कम हो जाएगा। कोरोना रहेगा जरूर, ऐसा स्वास्थ्य विभाग का भी मानना है, लेकिन उसकी सीवियरिटी कम हो जाएगी, जो मॉर्टलिटी रेट है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। जिस तरह से डेंगू और मलेरिया के मरीज आज हमारे बीच है, इसी तरह कोरोना भी हमारे बीच रहेगा। तो हमें चाहिए कि सरकार गाइडलाइन जारी करे, उससे पहले ही हम खुद को अपने दिनचर्या में उस गाइडलाइन को अपना ले तो इस महामारी से बचा जा सकता है, क्योंकि गुरुग्राम में जिस तेजी से केसों में इजाफा हो रहा है वो कहीं ना कहीं एक खतरे की घंटी नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, प्रवीण आपके पास वापस लौटेंगे। लाजपत, मैं देख रही हूँ पीछे तस्वीरों में भी आपके पीछे जो है कुछ लोग खड़े हैं, मैं चाहूंगी कि आप उनसे बातचीत करेंगे, किस तरीके से वो लोग जागरूक है क्योंकि कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में आम नागरिक का जागरूक होना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, जागृति एक स्टूडेंट है, बच्ची है छोटी सी, उससे बातचीत करेंगे। बेटा, आपने मास्क लगाया है, क्या लोगों से और अपील करना चाहेंगे? क्योंकि मास्क जरूरी है, तीन लहर पहले चल चुकी है, चौथी फिर से स्टार्ट हो चुकी है, सोनीपत में एक पेशेंट पाया गया है, आपने मास्क क्यों लगाया, क्या अपील करना चाहेंगे? अभी तो मास्क लगाना ही चाहिए क्योंकि अभी है, पॉल्यूशन से भी बचाता है ये, और कोरोना की जो फोर्थ वेव आने वाली है उससे भी बचा जा सकता है इसे लगा के। मास्क लगाने से मतलब पॉल्यूशन से जो बीमारियां होती है उनसे भी हम लोग बच सकते हैं। लोग लापरवाह दिखाई देते हैं, उनसे क्या अपील करना चाहिए? हाँ, उन्हें जो लापरवाह दिखाई दे रहे हैं उन्हें अभी कहना चाहूंगी कि लगाना चाहिए कुछ टाइम, तो मतलब जब तक से फोर्थ लहर कम्प्लीटली चली ना जाए। तो आपको किसने गाइडलाइंस की कि मास्क लगाना भीड़ में जरूरी है? क्योंकि वैसे कई बीमारियां हैं जैसे निमोनिया, अगर वो लोग खांसते हैं तो जो उनके छींटे होते हैं अगर हमें पड़े तो हमें भी चांसेस है लगा होने के, और निमोनिया काफी खतरनाक ही बीमारी है, इसलिए तो मतलब वैसे पॉल्यूशन और ये सब और कोरोना तीनों चारों के लिए भी प्रोटेक्ट करता ही है, इसलिए अभी लगाना चाहिए लोगों को। क्या अपील करना चाहेंगे आपके जो आपकी उम्र के हैं या जो लोग देखते हैं?
मैं कहना चाहूंगी कि लगाओ अभी तो, क्योंकि कई सारी बीमारियां जैसे बच सकते हैं हम उनसे। अगर एक मास्क लगाने से इतनी सारी बीमारियों से बच सकते हैं तो कोई बुराई नहीं है एक मास्क लगाने में। जी बिल्कुल, देखिए छोटी सी बच्ची ने कितनी बड़ी बातें कही हैं। आपको भी पता होगा कि अब वक्त जो है वो पोल्यूशन का है, और पोल्यूशन से भी बचने के लिए मास्क जो जरूरी है, क्योंकि अनेक तरह की बीमारियां जो होती हैं, निमोनिया है, डेंगू है, मलेरिया है, अगर कोई पेशेंट है वो अपने आप पेशेंट मानता है तो वो मास्क लगाए ताकि दोनों और लोगों को ना फैला पाए। छोटी सी बच्ची ने कितनी बड़ी जानकारी दी है कि मास्क है जरूरी, क्योंकि जब तक बीमारी है तो मास्क जरूरी है, और मास्क ही लगाएंगे तो इसी बीमारी से जीत पाएंगे। फिर से बच्ची से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। जागृति बच्ची है, छोटी सी स्कूल क्लास जाती है, तो आपके स्कूल में भी पालन किया जाता है, आपकी कॉलेज में जो आपकी फ्रेंड्स हैं या और लोग हैं वो मास्क लगाते हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे जो लापरवाह है? क्लास में तो मतलब जैसे कि सारे बच्चे वो तो नहीं लगाते, पर जब बाहर एरिया में जाते हैं वो लगाते हैं। और जैसे कि मतलब जब कोरोना ज्यादा था तो हम लोग क्लास में भी मास्क लगा के बैठते थे। अगर दोबारा से अगर शिक्षा को बंद करना पड़ा तो काफी नुकसान हो जाएगा। हाँ, काफी नुकसान होगा, उसकी वजह से एकदम बर्डन पड़ता है बच्चों पर, तो पढ़ाई कहीं ना कहीं बाधित होती है। बिल्कुल होती है, इससे पहले ही जागरूकता जरूरी है। हाँ बिल्कुल जरूरी है। क्या जागरूकता जैसे लापरवाह लोगों, उन्हें जो अभी सोच रहे हैं कि मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, उन्हें कहना चाहूंगी कि अभी लगा लो। एक तरह से मतलब एक तो आप अपने परिवार को भी बचा सकते हो, खुद भी बच सकते हो, इकोनॉमिकली भी तुम्हारे पैसे बचेंगे और तुम्हारा हेल्थ भी अच्छा रहेगा, तुम फिट रहोगे, और क्या चाहिए किसी को। देखिए छोटी सी बच्ची कितनी बड़ी बड़ी जानकारी दे रही है, उसने कहा कि अगर मास्क लगाने से आपके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं और भी जो जानकार हैं उनको बचाया जा सकता है, क्योंकि अगर आप चपेट में आते हैं तो काफी बड़ा नुकसान होता है। जागृति ऐसे में लोगों की लापरवाही जरूर दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल जागृति जी, बिल्कुल प्रवीण जी आपका रुख करना चाहूंगी। आप लगातार ग्राउंड जीरो पर रहते हैं और वहां से खबरें हम तक पहुंचाते, तो जब मार्केट में आप जाते तो वहां पर किस तरीके की स्थिति होती है, क्या वहां पर लोग जो है वो कोरोना के नियमों का पालन करते नजर आते हैं? देखिए बाजारों की अगर हम बात करें तो वहां पर किसी तरह के नियमों का कोई पालन नहीं होता, ना वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग रहती है और ना ही लोग मास्क का प्रयोग करते हैं। हाँ, कुछ इक्का दुक्का लोग जरूर अपनी सेफ्टी को लेके अलर्ट रहते हैं जो मास्क का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, जैसे अभी गुरुग्राम में सरस मेले का आयोजन किया जा रहा है, वहां पर जो पूरी भीड़ जाती है वहां पर कोई व्यक्ति मास्क लगाए नहीं मिलता। एक दो ऑफिसर के सब छोड़ सकते हैं, अदरवाइज पूरी भीड़ बिना मास्क के वहां पर रहती है, ना तो दुकानदार मास्क लगाते हैं और ना ही ग्राहक मास्क लगाता है। इसके अलावा जितने भी सार्वजनिक कार्यालय हैं, जो सरकारी कार्यालय हैं, वहां पर भी मास्क का प्रयोग देखने को नहीं मिलता। और इसके साथ ही कुछ जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो एमएनसीज गुड़गांव में है, वहां पर जरूर नियमों का पालन देखा जा रहा है कि वो लोग मास्क का उपयोग करते हैं और सैनिटाइजर का प्रयोग अभी भी वो लोग कर रहे हैं, वो लोग सजग है कहीं ना कहीं। लेकिन अगर शहर की बात करें, सरकारी कार्यालयों की बात करें, तो वहां पर इन नियमों की पालना बिल्कुल नहीं की जा रही है, और यही कारण है कि गुरुग्राम में लगातार जो है केसों में इजाफा हो रहा है। और अगर यही गति रही तो वो दिन दूर नहीं कि जब गुरुग्राम में चौथी लहर की दस्तक आ सकती है। हालांकि प्रशासन अपनी तरफ से लगातार तैयारियां कर रहा है और लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि आप मास्क का प्रयोग करें, क्योंकि अब हमने अक्सर देखा था जब मास्क के ऊपर चालान था तब भी लोग मास्क का प्रयोग सिर्फ सामने पुलिस वाले को देखकर ही अपने मुंह पर मास्क ढकते थे, वैसे बाजार में खुलेआम घूमते थे। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा कारण है कोरोना के केस बढ़ने का। और इसके अलावा जो प्रशासन की ओर से तैयारी है, टेस्टिंग पर बहुत ज्यादा जोर गुरुग्राम में दिया जा रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि टेस्टिंग में यदि फाइंड आउट हो जाता है कि इस आदमी का कोरोना के लक्षण है तो उसको अपने आप को आइसोलेट कर लेना चाहिए, क्योंकि यदि वो आदमी बाजार में घूमता है तो कहीं ना कहीं वो 10 लोगों को और बीमार करता है, जिससे खतरा और ज्यादा बढ़ता है। तो टेस्टिंग, ट्रैकिंग और वैक्सीन का जो है उस पर ही प्रशासन का जोर है। फिलहाल किसी तरह की कोई बंदिशें या कोई गाइडलाइन अभी तक लागू नहीं की गई है। गुरुग्राम की बात करें या हरियाणा की बात करें तो इस तरह की कोई गाइडलाइन अभी नहीं आई है, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि अगर केसों की संख्या और ज्यादा बढ़ती है, इसमें और इजाफा होता है, तो कहीं ना कहीं कड़ी पाबंदियां जनता को झेलनी पड़ेंगी। और उन पाबंदियों से अगर आपको बचना है तो आप नियमों का पालन करें और अपने आप को सुरक्षित रखें, ताकि आपके ऊपर कड़ी गाइडलाइन ना लगाई जाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत आपका भी और प्रवीण आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जिस तरीके से कोरोना के मामलों में जो है पहले अब कमी देखी गई थी तो कई प्रतिबंध हटा दिए गए थे, लेकिन अब दोबारा कोरोना पैर पसारता नजर आ रहा है। ऐसे में हर खबर भी आपसे यही अपील करता है कि आप नियमों का पालन करें, खास तौर पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन करें। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही, रुकते एक छोटे से ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।